टोक्यो ओलंपिक 2020 में 12 साल बाद इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर पैसों की बारिश तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं होती और अपने इसी एक गोल्ड मेडल के दम पे आज नीरज चोपड़ा विराट कोहली को भी टक्कर दे रहे हैं। गाइज, नीरज चोपड़ा इंडिया के पहले ऐसे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं जिन्हें गैटोरेट पेप्सिको का एंडोर्समेंट मिला है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें एंडोर्समेंट के लिए अप्रोच कर रही है। इससे तो एक कहावत याद आती है कि अगर आप अच्छा भागोगे तो लोग आपको जूते भी देंगे, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आप मुझे जूते दो फिर मैं अच्छा भागूंगा तो लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करो और अपने दम पर वो सब चीजें पाओ जो आप चाहते हो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बात है सन 1996 की, जब सौरभ गांगुली ने अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पे किया था और अपने पहले ही मैच में शतक ठोक के उन्होंने 131 रन की पारी खेली थी। 25 साल बीत जाने के बाद भी रिकॉर्ड कायम था, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेवोन कॉनवे ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हां गाइस, डेवोन कॉनवे ने अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर 200 रन की नाबाद पारी खेली और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गाइस, मजे की बात यह है कि सौरभ गांगुली और डेवोन कॉनवे दोनों की बर्थ डेट 8 जुलाई ही है, दोनों ही लेफ्ट हैंडी बैट्समैन है और दोनों ने ही अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में करके शतक ठोके। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।